अहंकार के मारे उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं गोकुल पधारे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में अपराहन का भोजन कर रहे हैं और उन छोटी जाति के गंदे ग्वाल बालों के जूठे कौर स्वयं उनके मुंह से निकालकर वो अपने मुंह में लेके खा रहे हैं। इस दृश्य से ब्रह्मा जी को बड़ी घृणा हुई कि ये कैसा परब्रह्म है जो उन छोटी जाति वालों की जूठन खाकर भी प्रसन्न हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की परीक्षा ली जाए कि ये सचमुच परब्रह्म है कि नहीं। ये सोचकर ब्रह्मा ने पहले तो उनके गाय बछड़े चुरा लिए। अरे हमारी गैया कहाँ चली गई? कहीं उधर घास चरने चली गई होंगी। उधर कहाँ? उस जंगल के पीछे। तो क्या हुआ, चिंता क्यों करते हो? मैं अभी लेकर आता हूँ। सुरभि! फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी ने एक और चाल चली। अब के उन्होंने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के समस्त ग्वाल सखाओं को पहले तो धरती से अदृश्य कर दिया। और फिर स्वयं अपने ब्रह्म लोक में ले जाकर उन्हें छुपा दिया। उधर ब्रह्मा जी अपनी इस चाल पर बड़े प्रसन्न थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें ब्रह्मा की सारी चाल समझ में आ गई। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उसका उत्तर कुछ नहीं दिया, केवल अपने आप को कई रूपों में विभक्त करके उन समस्त ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप स्वयं धर लिया। ब्रह्मलोक के समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने तो कुछ ही क्षणों में गऊं और ग्वालों को ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, परंतु जब वो लौटकर पृथ्वी पर आए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के सिद्धांत के अनुसार इतने में पृथ्वी लोक पर पूरा एक साल बीत गया था। यहाँ एक साल तक किसी को भी ये आभास नहीं हुआ कि ये सब गाय बछड़े और ग्वाल बाल असली नहीं है, वरन स्वयं श्री कृष्ण उनका रूप धरे घूम रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी जब धरती पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों को वो अभी अभी ब्रह्म लोक में छोड़कर आए हैं वो सब यहाँ श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। ऊपर देखा तो वो ग्वाल अभी ब्रह्म लोक में ही बैठे थे, नीचे देखा तो धरती पर वही सब लोग खेल रहे थे। कभी ऊपर देखते कभी नीचे देखते। इस दृश्य से जब वो हतबुद्धि से हो गए तो मन ही मन प्रभु चरणों का ध्यान करके प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे सत्य के दर्शन कराओ, मैं भ्रम में भटक गया हूं, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाकर ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि स्वयं चतुर्भुज भगवान ही उन सब ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप धारे उनके सामने खड़े हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो क्षमा मांगने के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए।